बेसिकली आज मैं हूँ घर के अंदर क्वारंटीन। लोग जाते हैं लेह लद्दाख घूमने, हम लेह लद्दाख में ही रहते हैं। काश निकल रहा है इसका। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी सो के उठा हूँ, उठने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बट कुछ काम कर रहे हैं। एक्चुअली अदिति का आज काम है, वो काम पे जा रही है। और बाहर अदिति कह रही है अभी मौसम ख़राब है। दिखाता हूँ आप लोगों को कितना ख़राब है और मैं भी देखता हूँ कितना ख़राब है। सो गाइस, जैसे कि आपने दिवाली वाले व्लॉग में देखा था कि मैंने ये चीज़ सारी शवल करी थी और आज फिर सुबह स्नो डल गई है। और कितनी स्नो पड़ी है एंड स्टिल गोइंग ऑन। अभी मुझे गाड़ी साफ करनी है जाके। सो गाइस, पूरा पैक होके जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। कल इतना मौसम बढ़िया था ना दिवाली पे, और आज उतना ही ख़राब है। और सुबह सुबह गाड़ी साफ करनी है क्योंकि अदिति ने काम पे लेके जाने आप बहुत देरी के। अब यार ये सारा करना पड़ेगा। ओके लेट्स गो। गाड़ी ढूंढनी पड़ रही है अपनी, इतनी स्नो डल गई। अदिति ने जाना है काम पे, मैंने जो काम करना था मेरा काम हो गया, स्नो शफल कर दी, देखो कैसे जाएगी। स्विमिंग करके आ रहा है, मैं जाना नहीं चाहता था बाहर क्योंकि बर्फ बहुत है। अदिति काम पे जा रही है तो ये बंद कर देगी। यहाँ हम थोड़ी सी बैटरी बचाते हुए और स्नोफॉल फिर से शुरू होगी। बाय बाय, आराम से चलाना गाड़ी। यार तू काम पे जा रही है अदिति, रहने दे यार, छोड़, इतना मौसम खराब हो रहा है। तुम ये यहाँ पर मेरे साथ माहौल करने आए हो। त्योहारों के बाद, 4 दिन की छुट्टी के बाद अदिति काम पे जा रही है और उसका बिल्कुल भी मन नहीं है काम पे जाने का। साफ करने के लिए भी आ गए हैं और लगता है स्नोफॉल वार्निंग आ गई है। और कोई सुबह सुबह अपने पप्पी को वॉक करवा के लाया। बेसिकली आज मैं हूँ घर के अंदर क्वारंटीन और मुझे लगता है कि ये फ्लॉप व्लॉग होने वाला है। कुछ है नहीं है करने को, 2 छुट्टियां रह गई हैं, उसके बाद मैंने कैंप में चले जाना है। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो घर में ढूंढेंगे, टाइम तो पास करना ही है। क्या आ गया? डाक या डाक लाया, कैनेडा पोस्ट। मैं काइंड ऑफ बोर हो रहा हूँ और घर से बाहर देखता रहता हूँ और कई बार थोड़ी थोड़ी देर बाद एडिटिंग कर लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी देर बाद बंद कर देता हूँ। अभी जैसे ये कैनेडा पोस्ट का ट्रक आया हुआ है, सबकी मेल्स आई हुई है, थोड़े टाइम बाद जाके चेक करूंगा कोई शायद हमारी मेल ना आई हो। सो गाइस, शावर ले लिया, फ्रेशन अप हो गया हूँ। वैसे जाना तो कहीं नहीं था, एडिट ही करना था, वैसे भी कर सकता था, बट ये है कि जैसे फ्रेश हो जाते हैं तो आइडियाज़ अच्छे आते हैं, क्योंकि ये जो काम है क्रिएटिव काम है, तो आइडियाज़ अच्छे आएंगे जल्दी, और जल्दी आएंगे तो जल्दी काम होएगा, बस करते हैं वो काम। सो गाइस, ये वाली वीडियो जस्ट अभी एडिट करके आता हूँ और मेरा जो इस मशीन पे काम करने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी डिफरेंट और शॉकिंग है। डिफरेंट इसलिए है
कि मैंने जो उस पे सारा एंड तक वीडियो बनाई, जितना भी इस पे लोड डाला, ये एक भी जगह लैग नहीं किया, और ऐसे कभी लगा नहीं कि ये इस पे ज़्यादा लोड डल रहा है। स्मूथली इतना वर्क किया। हालांकि नो ऑफेंस टू दिस वन, इसने भी मेरी 10-15 वीडियो तो माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इसने भी मेरी 10 वीडियोस निकाल दी। ये जो टाइम लेता है और लैग करता है, पता लगता है कि हाँ इस पे लोड ज़्यादा डल रहा है। और शॉकिंग इसलिए था क्योंकि मैं जब रेंडरिंग करता हूँ तो मेरी वीडियो को अराउंड लगता है कम से कम 48 आवर्स, तो ये वाला जो लैपटॉप है मेरा 48 आवर्स तक चलता रहता था नॉन स्टॉप। और यही काम इसमें करा तो मेरे को लाइक शॉक ऐसा लगा कि इसने सिर्फ वो 25 मिनट्स में कर दिया। लाइक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है ये, बहुत ज़्यादा टाइम बचा लिया मेरा। सो गाइस, टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था, काफ़ी मज़ा आया इस पे काम करके। पता लग गया कि सारे यूट्यूबर्स के पास मैकबुक क्यों होती है। सो गाइस, अभी मैं बना रहा हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। ये जो ऑर्डर किया था ये भी आ गया, तो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं आज। फिर पहले तो इसमें से ये निकलता है, कुछ अदिति ने ऑर्डर किया था वैक्स हीटर। ये क्या है, इसमें क्या आ गया सर? अच्छा, मैं समझ गया, ये वो है। ये हम अगली वीडियो में खोलेंगे, थोड़ा सस्पेंस तो रहना चाहिए ना। अब की वीडियो में बस यही है खोलने का एक। अब सारे पत्ते एक ही बारी में नहीं खोलने ना, हल्के हल्के करके खोलने हैं, नहीं तो फिर कंटेंट ही नहीं रहेगा। क्या एक्चुअली मेरी संभाल का आपको पता ही है कि मैं चीज़ें कैसे संभालता हूँ। अभी लेटेस्ट ये एक चीज़ ज़्यादा अच्छे से संभाली गई दिवाली पे। खैर ये तो पीछे से टूटा हुआ था थोड़ा सा, पर अब ये तो मतलब कुछ ऐसा हो गया। कांच निकल रहा है इसका। हार्ड शेल केस मैकबुक प्रो के लिए ऑर्डर किया कि उसके साथ ये चीज़ ना बने, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ये फिर भी चल हो जाएगा, टूट गया नवा ले लेंगे, वो थोड़ा ज़्यादा ही है, समझ सकते हो आप। हार्ड केस 16 इंच, और साथ में इसके साथ मिला है मेरे को स्क्रीन प्रोटेक्टर, तो ये लगाएंगे अभी, बाद में लगाएंगे। ओ तेरी गए, बाहर मौसम पता है कैसा हो रहा है, दिखाता हूँ आप लोगों। अनबॉक्सिंग इतनी होती है, इतना हम कोई परफेक्ट नहीं है, बस इतनी ही करेंगे। पता नहीं कैमरे में दिख रही है कि नहीं दिख रही, स्नोफॉल हो रही है पूरी ज़बरदस्त। लोग जाते हैं लेह लद्दाख घूमने, हम लेह लद्दाख में ही रहते हैं। इस काइंड ऑफ लेह लद्दाख भी शायद जाता होगा -50 तक, मुझे पता नहीं है, मैं कभी गया नहीं हूँ, पर यहाँ -50 तक चला जाता है। और यहाँ हल्की हल्की कितने भी लग गई है, सुनो हवा बहुत तेज है, देख ही सकते हो। इसको पूरा पैक कर दिया, ये ऊपर से ये फ्रेम सा लग गया, इसके नीचे भी फ्रेम लग गया, स्क्रीन गार्ड लगा दिया, की पैड लगा दिया, इसका कवर कर दिया, 100% सेफ्टी कर दी अब इसकी। सो गाइस, भाई का भी चैनल है पुष्पिंदर हंस के नाम से, अगर आपको पसंद है मॉडिफिकेशन थार की और बेसिक व्लॉगिंग घूमना फिरना, तो भाई ने अभी नया नया चैनल यूट्यूब पे बनाया है, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, एक बार विजिट जरूर करना। सो गाइस, जैसे कि आप देख ही सकते हो कि वेदर हमारे यहाँ बहुत ही ख़राब रहता है, पर उसी हिसाब से गवर्नमेंट भी पूरा साथ देती है। और जैसे अभी ये बंदा, पहले आपने देखा था कि स्नो साफ करने वाली मशीन आ गई थी सुबह सुबह ही, और अभी ये यहाँ फुटपाथ क्लीन करने आ गए हैं। ख्याल रखती है गवर्नमेंट पब्लिक का। सॉरी गाइस, लैपटॉप चलाते चलाते पता ही नहीं चला कब नींद आ गई और मैं यहीं पे ही सो गया था। अदिति आई है काम से और सो भी गई है। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कुछ वैसे था नहीं इस वीडियो में, और पता नहीं शायद मैं डालूंगा भी कि नहीं डालूंगा, अपलोड करूंगा कि नहीं करूंगा इस वीडियो को। अगर करूंगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कमिंग वीडियोस के लिए, अगली वाली ज्यादा अच्छी बना दूंगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. पहले से ही एक निशान बना हुआ इस पे। देख सकते हो अब कोई बबल नहीं रहा।